हेलो, वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर 18। आइड्रिस को चिंता हो रही थी कि अगर खालिद मेरे फादर और मेरे हाफ ब्रदर्स को पनिश करेगा तो क्या एम्परर ऐसे ही साइलेंट बैठे रहेंगे। लेकिन खालिद कहता है कि एम्परर भी मेरे आइडिया से अग्री हो ही जाएंगे। वो लोग कलिस में मैजिक स्टोन की माइनिंग करेंगे और इसे हाई प्राइस में बेचेंगे। मैं पहले यही सोच रहा था कि वो लोग पैसों के लिए ही ये कर रहे हैं, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो इसे हथियार भी बनाना चाहे। अलग अलग तरह के मैजिक स्टोन में अलग अलग तरह की मैजिक पावर होती है। मैजिक स्टोन को अगर वेपन के साथ मर्ज कर दिया जाए तो वो वेपन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और उन्होंने रिसेंटली बहुत सारे वेपन्स भी खरीदे हैं। और इसके बाद तुरंत ही उन्होंने हमें लेटर भेजा कि उन्हें यहाँ कलिस में मैजिक स्टोन की माइनिंग करनी है। तो इसका मतलब तो यही हो सकता है कि वो एम्परर के खिलाफ हो रहे हैं। इससे यही साबित होता है कि वो रिबेलिंग करना चाहता है। तो ये सब सुन के आइड्रिस कहती है कि खालिद, अगर ये सब सच है तो फिर मैं एक ट्रेटर की बेटी कहलाऊंगी और इस तरह से मुझे भी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन खालिद तो बहुत चिल मार के कहता है कि डोंट वरी आइड्रिस, मेरे पास प्लान है, बस मेरा यकीन करो तुम। तो फिर दूसरे दिन खालिद ने दो लेटर लिखे। एक लेटर आइड्रिस के फादर को भेज दिया। उसमें जैसा उन्होंने तय किया था वही लिखा कि कलिस में माइनिंग राइट तो उन्हें मिल जाएगा, लेकिन डिटेल में डिस्कस करने के लिए उन्हें पर्सनल यहाँ मिलने आना होगा और आइड्रिस उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो उसे भी उसके साथ लाना होगा। और दूसरा लेटर लिखा खालिद ने उसके अंकल को, जो एम्पायर के एम्परर है। उस लेटर में खालिद ने ड्यूक बिट्राइस बगावत करने वाला है वो सब कुछ लिख दिया था। और ये भी लिखा था कि ड्यूक बिट्राइस कुछ ही दिनों में मुझसे मिलने आने वाला है, तो तब उसके घर पे कोई नहीं होगा। तो एम्परर ने यह तय किया कि जब वो उसके घर से बाहर होगा तभी मैं उसके घर पे छानबीन करवा लूंगा। और एम्परर ने खालिद को रिप्लाई भी भेज दिया कि वो ड्यूक बिट्राइस के घर में इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। एम्परर की ओर से तो जवाब आ गया। अब बस एक ही काम बाकी था कि आइड्रिस के फादर उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर ले। खालिद आइड्रिस का हाथ पकड़ के कहता है कि हाँ, अब सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, लेकिन देखने से लगता है कि तुम अब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो। आइड्रिस कहती है कि हाँ, ये सच है, मुझे उसके लिए प्यार तो नहीं है, लेकिन आखिरकार वो मेरी फैमिली है, तो ये सब कुछ मुझसे ही तो जुड़ा है। और मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मैंने पहले कभी किसी के आगे उसे हारते नहीं देखा, तो इसीलिए ही मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम उसे सजा दे पाओगे। फिर वो कहती है कि ओह, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन खालिद कहता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने कहा था ना कि तुम मेरा भरोसा करोगी, तो तुम्हें किसी और के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ तुम मेरा भरोसा करो। आइड्रिस कहती है कि हाँ खालिद, मैं तुम पे भरोसा करूँगी, प्लीज़ मुझे और मेरी माँ को सेफ रखना। खालिद आइड्रिस के हाथ में किस करता है और कहता है कि हाँ, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है। ड्यूक बिट्राइस यानी कि आइड्रिस के फादर को खालिद का लेटर मिल गया था। वो उस लेटर को पढ़ के मुस्कुराता है। तो कीथ उसे पूछता है कि तो क्या कहा उन्होंने। ड्यूक बिट्राइस हंसता हुआ कहता है कि उस लड़की ने आज ड्यूक को अपने हाथ में कर लिया लगता है। उसकी माँ मेरे कब्जे में है तो उसे मेरी बात तो माननी ही थी। वो हमें कलिस में मैजिक स्टोन की माइनिंग करने की परमिशन तो दे देंगे, लेकिन हमें डिटेल में डिस्कस करने के लिए पर्सनली उसे मिलने जाना होगा। बस उसने एक ही कंडीशन रखी है कि हमें आइड्रिस की माँ को हमारे साथ ले जाना होगा, वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। ये है ड्यूक बिट्राइस का बड़ा बेटा कैन बिट्राइस। वो कहता है कि उस नौकरानी को, हाँ, उसे साथ ले जाना इतना मुश्किल नहीं होगा, बस उसे अपने साथ ले जाना और जब आप वापस आए तब उसे अपने साथ ले आना। लेकिन ड्यूक बिट्राइस को शक होने लगा था कि मुझे उसे साथ ले जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन वो लोग कुछ और ही प्लान कर रहे होंगे। तो कीथ हंसता हुआ कहता है कि फादर, आप तो बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे हो, क्या आपको इस बारे में डर है कि आइड्रिस एक सर्वेंट को रिक्लेम करेंगी। आज ड्यूक उसे ऐसा कुछ करने ही नहीं देंगे, और पहली बात तो ये कि वो एक नौकरानी को अपनी सास के रूप में नहीं रखेंगे। तो कैन उसे कहता है कि कीथ, पिताजी के सामने बोलने में अपनी ज़ुबान पे थोड़ा लगाम दो। और वैसे भी पिताजी, कीथ ने ये थोड़ा रूडली बोला लेकिन वो सही था। आज ड्यूक को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी वाइफ इतनी नीची जाति की है। और ऐसी रूमर्स भी है कि अगर कोई आज ड्यूक को एनोय करता है तो वो उसका सर काट डालते हैं। तो क्या आपको सच में ये लगता है कि इतना ज़्यादा घमंडी और गौरव वाला पर्सन एक नौकरानी को अपने पास रखेगा। तो फिर ड्यूक बिट्राइस भी मान गया कि अच्छा ठीक है, मैं कल इस वहाँ डिस्कस करने जाऊँगा, और कैन, तुम बड़े बेटे हो तो तुम यहाँ पीछे रहकर घर की केयर करना। कैन कहता है कि हाँ पिताजी। और ड्यूक बिट्राइस कीथ को अपने साथ चलने के लिए कहता है कि कीथ, तुम हमारे साथ कलिस चलोगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस नौकरानी पे नज़र रखोगे। और वो तीनों बाप बेटे बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाने लगे कि सच में हमें जो चाहिए था वो सब मिल गया। और उसने खालिद को रिप्लाई भेज दिया कि वो लोग आएंगे।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।